मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम YouTube family, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉक्स पेटीज। और ये चिकन चीज़ बॉक्स पेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं सबसे पहले समोसों की पट्टियाँ, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ही नॉर्मली अवेलेबल हैं और ऐसे भी इजली ये समोसे वगैरह के शॉप्स में मिल जाती हैं। सिंपल समोसे की पट्टियाँ जो कि मैंने यहाँ पे ली हैं हाफ के जी के करीब। इसके साथ ही 1.5 कप मैंने लिया है मैदा। ब्रेड क्रम्स जो मैं घर में आसानी से बना लेती हूँ, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। ये देखिए कितना अच्छा सा ब्रेड क्रम मैंने रेडी किया हुआ है। इसे किस तरीके से घर में इजी मार्केट जैसा हम रेडी कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर रेसिपी मसारा किचन के ही चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। वीडियो है मसारा किचन के चैनल पर, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके साथ अब इसकी स्टफिंग कैसे तैयार होगी, इसका चिकन कैसे तैयार होगा, तो चिकन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन के इतने बड़े देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 पीसेस चिकन के ले लिए हैं। इसके साथ यहाँ पे 3 अंडे, 3 टेबल स्पून मायोनीस, 1 टी स्पून सोया सॉस, नमक हसबे ज़रूरत, 1 फुल टी स्पून सफ़ेद मिर्चें जिसे दफनी मिर्च भी कहते हैं, सफ़ेद मिर्चें भी होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब हरी प्याज ली हुई है, मोज़रेला चीज़, 1 फुल टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें और यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है बंद गोभी। तो इससे मैं बनाऊँगी मज़ेदार से यमी से चिकन चीज़ बॉक्स पेटीज। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसे कैसे रेडी करना है। यहाँ पे इसके चिकन के पीसेस ले लिए। स्पाइसेस लगाऊंगी इसके दोनों साइड पे। ये देखिए काली मिर्च जो है तकरीबन मैं थोड़ा सा इसमें छोड़ के बाकी जो है इसमें अच्छी तरीके से लगा दूंगी। साथ ही इसमें वाइट पेपर भी ऐड करूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से इसमें दोनों तरफ लगा दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी यहाँ पे जो मैंने सोया सॉस रखा हुआ था, इसको भी इसमें दोनों तरफ टर्न करके इसको अच्छे से इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे बॉल में रख के 20 मिनट्स का इसको दूंगी रेस्ट। मैंने लिया हुआ है मायोनीज, इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन जो है 1/2 टीस्पून के करीब जो बचा हुआ इसमें से काली मिर्च पाउडर, तो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून के करीब वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और इसमें जाएगा नमक हसबे ज़रूरत। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके इसे जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो बंद गोभी मैंने बारीक कट करके रखी हुई थी उसको इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी जब तक हम चलते हैं अपनी चिकन रेडी करने। ऑयल जो है कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें चिकन के पीसेज जिन्हें मैंने मैरिनेट करके रखा था उन्हें कुक करूँगी। मैं इसे जो है मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी और एक साइड को 4 मिनट्स बाद जो है टर्न करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट हो चुके हैं, अब जो इसकी साइड जो है उसे जो है मैं टर्न कर रही हूँ। ये देखिए एक तरफ से ये जो है अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं इसको ये दूसरी साइड से जो है इसे अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी और फ्लेम को जो मैंने मीडियम टू स्लो में ही रहने दिया है। सही इसी तरीके से इसको कुक कर लेते हैं। चिकन जो है अच्छी तरीके से देखें कुक हो चुकी है, कितना खूबसूरत सा इसमें गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये टेंडर भी हो चुकी है। इसे टेंडर करने में तकरीबन जो है 1/2 आवर लगे थे। अब मैं इसको यहाँ पे जो चूल्हा है इसको ऑफ करती हूँ और इसको ठंडा होने रखती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। चिकन जो है ठंडी हो चुकी है, अब जो है इसे देखें मैं इस तरीके से इसे कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैदा और मैं इसका जो है अच्छा सा पेस्ट, स्मूथी सा पेस्ट रेडी कर दूँगी कि जब मैं पेटीज़ को जो कोट करूँगी पैक करूँगी तो वो अच्छी तरीके से पैक हो जाए। तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैदा है और इसमें 1/4 कप जो है सादा पानी जो है वो मैं ऐड करके इसको अच्छा सा स्मूथी सा इसका पेस्ट रेडी कर लेती हूँ।
चले जी, ये जो पेस्ट जो है रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अंडे, इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, साथ ही इसमें चल जाएगी 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और नमक जो है थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी बराबर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से इसमें बीट कर लेते हैं। अंडे का बैटर भी यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम चलते हैं हमारी फिलिंग की तरफ, करूँगी इसकी फिलिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है पट्टी, और सबसे पहले समोसों की सिंपल पट्टी जिससे हम समोसे बना रहे होते हैं बस वही लेनी है। और यहाँ पे ये जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था मैदे का, इसको जो है इसमें लगा देती हूँ इस तरीके से। अब जो है इसकी जो सेकंड पट्टी है समोसे की उसको ले लेते हैं, और इस तरीके से सेंटर पे उसको देखिए जी, ये अच्छे से हो गया। अब यहाँ पे ये सिंपल टमाटो केचप मैंने लिया हुआ है, इसको लगा देते हैं। जब लग चुका है, अब यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है तो मैं मोज़रेला चीज़ इसमें इसकी लेयरिंग में लगा देती हूँ। अब इसमें जो हमने चिकन के पीसेस कट करके रखे थे उन्हें इसमें अच्छी तरीके से सेटल कर देते हैं। साथ ही इसमें यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन है थोड़ा सा, बस ये थोड़े से चंद पत्ते जो हैं स्प्रिंग ऑनियन के इसमें ऐड करती हूँ। और ये मैंने जो कोल्ड स्लो रेडी करके रखा हुआ था इसको जो है इसमें डाल देते हैं। थोड़ा हिस्सा डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आएगा, ताकि हमारी जो फिलिंग है वो टूटे नहीं और अच्छी तरीके से इसको सेटल कर लेते हैं। और अब जो है इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर्स में लगा के इस तरीके से अब इसकी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए जी, ये देखें यहाँ पे इसको लगा देते हैं ये, और ये वाली साइड जो है ये उठा रही हूँ ताकि इसको क्रॉस में करना है, ताकि पैकिंग जो है कहीं से क्रैक ना हो। इस तरीके से इसको पैक कर लेते हैं। अब जो है ये वाली साइड इसमें भी हर तरफ ही लगा देती हूँ मैं। चलिए इसको इस तरीके से पैक कर लेते हैं। और अब ये लास्ट वाली साइड जो है इसमें भी अच्छी तरीके से मैदे की कोटिंग करके इसको, ये देखें इसको इस तरीके से पैक कर लेते हैं। ये हर तरफ से पैक हो चुकी है, ये देखें कितनी, इसको सेट कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से ये तैयार हो गई। ऐसी मैं सारी रेडी करूँगी। अभी यहाँ पर जो है सारी पेटीज जो है मैंने बना ली हैं, और अब मैं इसको करूँगी कोट, और कोट करके और इसको करूँगी मैं फ्राई। और मैं फ्राई कर रही हूँ उसको घी में। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मैदा, तो चलिए जी इसको मैदे में जो है मेक श्योर कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से मैदे में जो है हर तरफ से कोट हो जाए। ठीक है जी, हो गया। अब इसको यहाँ पर एग लिया हुआ है जो मैंने अंडे का बैटर तैयार करके रखा हुआ था, उसमें इसको अच्छी तरीके से हर तरफ से इसको कोट कर लेते हैं। और साथ यहाँ पर लगाते हैं इसमें ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ब्रेड क्रम्स में भी इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि एक दफ़ा में ये नहीं हुआ है तो आप इसको डबल कोटिंग कर लें, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक दफ़ा में हो गया है। चलें जी, ये देखें अच्छे से ये कोट हो चुका है इस तरीके से। और अब जो है इसे मैं घी में फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गर्म करने रखा हुआ था, तो चलें जी घी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी, इसी तरीके से मैं और इसमें ऐड करूँगी। ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मज़ेदार अच्छी सी क्रिस्पी सी ये तैयार हुई है, ये देखें वाओ यम्मी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।